गुड टू सी यू साक्षी जी। हमने सुना है कि आज की शाम आप कुछ पोएम पढ़ने वाले हैं, तो जरा अगर आप मुझे बता सकें कि ये क्या कुछ होगी, आपने लिखी है या क्या कुछ है ये? आज बहुत ही खास शाम है, डेल्फिक महाराष्ट्र की हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। डेल्फिक गेम्स इंटरनेशनल 27 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, उसी की सेलिब्रेशन है। और आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी नहीं किया। तो मैं अपने पिताजी की एक लिखी हुई पोएम पढ़ने वाली हूँ, राधा की दुविधा। और हमारे जो देश की जनता है उसके माध्यम से वो कही जा रही है कविता। तो जो राधा है वो देश की जनता है, और जो कान्हा है वो देश है। तो कान्हा राधा से रूठा हुआ है, मतलब देश अपनी जनता से रूठा हुआ है। और वो कैसे राधा बोलती है कि मैं कैसे कोई भी त्यौहार मनाऊं या मैं कैसे कोई भी काम करूं अगर मेरा देश मुझसे रूठा हुआ है। तो उस तरह से उन्होंने एक पोएम लिखी है, बहुत स्पेशल है, इट्स वेरी ओल्ड लेकिन आज भी बहुत रेलेवेंट है। तो आई विश पापा के साथ यहाँ मैं सुना पाती, लेकिन ही इज़ इन दिल्ली, तो पापा के बिहाफ पे मैं सुना रही हूँ। आपको तो हमने एक्टिंग की दुनिया में बहुत सारे ऐसे एक्टिंग में देखा है आपको, सो ये पोएम का शौक कब से है आपको? आई नो कि आपको पोएम का शौक मुझे नहीं है, पापा को है, वो लिखते हैं रोज़। मैं तो खाली मैं उनकी प्रूफ रीडिंग करती हूँ, वो जो भी लिखते हैं वो फिर मात्राओं के लिए मुझसे चेक कराते हैं कि देख ले ज़रा कहीं कोई मात्रा की गड़बड़ तो नहीं हो गई है। बिकॉज़ वो बहुत ही जो परफेक्ट स्टाइल में जो मात्राएं होती है उसमें वो लिखते हैं, तो मैं उनके लिए खाली उतना ही करती हूँ। लेकिन आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पढ़ भी रही हूँ। तो वैसे तो अगर आप पोइट्री कर सकते हैं तो नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, कि आप अपने इमोशंस को शब्दों में बांध सकें। आई एम नॉट सो गुड एट इट, लेकिन हाँ पापा क्योंकि पढ़ते हैं और चेक कराते रहते हैं तो आई एम इन टच विद हिज पोएट्री। हम आपको भी देखेंगे लाइक ऐसे कोई आपकी तरफ से ऐसे कुछ पोएट्री? क्या पता, क्या पता, क्या पता? आज के इवेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यस यस, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। नेशनल मैगजीन रिलीज होने वाली है डेल्फिक की, डेल्फिक का नेशनल सॉन्ग पहली बार सुनाया जाएगा, यहाँ लाइव गाया भी जाएगा, और गुरु लद्दाखी ही विल रीड आउट हिज पोएट्री ऑनलाइन। एमी का फैशन शो है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। मैं भी एक कविता सुनाऊंगी, एंड बेसिकली अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से डेल्फिक मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ आवर वे टू सेलिब्रेट इट। इसके अलावा आपकी फिल्म भी एक आने वाली, लाइक शर्मा जी की बेटी, यस नेक्स्ट ईयर सब 22 में, उसके लिए हम फिर मिलेंगे, फिर वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मैं कट करता है कूड़ना और क्रॉप करता है 100%। ठीक है वो खाली करो, एक दरवाजा बराबर करके खाली हो पीछे का उसे जरिए और सेंटर में आइए डोर के बस परफेक्ट। यस पूर्ण और जरा बात नहीं वायर फाइनल रहते हैं आप क्यों ए, दो मिनट बाबा अभी तो आ गई जरी ये लाइट कौन चाहिए थी लाइट लाइट बंद कर या आई एम डन वंस अगेन वंस स्टे या एमी जी प्लीज Thank you. Hello. Good to see you, Zarin ji. Thank you. ब्यूटीफुल हमें फैशन शो देखने को मिला सर आपने वॉक भी किया यू नो जब जब आप आते हैं तो ऐसे गर्मी बढ़ जाती है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जैसे मैंने बताया कि हम इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का 27th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। डेल्फिक काउंसिल एक ऐसा काउंसिल है एक ऐसी कमेटी है जो देश विदेश की आर्ट एंड कल्चर को सेलिब्रेट करती है, तो इस जश्न का आज हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और एमी के डिज़ाइन के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो मेरी बॉडी टाइप को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है, वो जो भी मुझे पहनाती है मुझे अच्छा लगता है। एंड आई टुडे ऑल्सो आई थिंक शी इज़ डन यू नो justice to the color and the clothes that she's made me worn, so yes it's been a great experience. Beautiful outfit, agar aap hame uske bare mein bata sake ki ye kya kuch hai and like wo to main nahi bata sakti hu, wo to Amy aapko bata sakti hai, main bas bata sakti hu ki iska color maroon hai aur ye bahut acha lag raha hai mere pe, that's it. Bilkul bilkul bahut hi beautiful lag rahe hain, thank you. Iske alawa agar main baat karu जी कुछ हमें देखने को मिलने वाला है आपकी तरफ से पाइपलाइन में क्या? वेल पाइपलाइन में तो दो साल से चीज़ें पड़ी हुई है बट यू नो इस पैंडेमिक में ने चीज़ें बहुत ऊपर नीचे कर दी है, बट आई एम रियली होपिंग कि 2022 में अभी और लॉकडाउन और चीज़ें खराब ना हो सो दैट फाइनली वर्क कैन स्टार्ट। डेल्फिक के प्लेटफॉर्म पर हमें आपकी तरफ से ऐसे कुछ एसोसिएशन या कुछ भी देखने को मिलने वाला है? वेल लेट्स सी, आज तो शुरुआत थी तो देखते हैं कहाँ तक जाता है हमारा एसोसिएशन। वही एक जो कॉमन सा सवाल इन दिनों मुद्दा बना हुआ है शादी की जो इन्वेस्टमेंट से 21 जी बहुत सारे लोग एग्री हैं जी, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हैं जी, का क्या वेल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शादी जो है वो एक इंडिविजुअल चॉइस है और होनी भी चाहिए क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से शादी कर रहा है, तो आई थिंक जैसे मैंने बताया मैं खुद 35 इयर्स की हूँ, मैं औरत हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, सो आई डोंट रियली थिंक दैट देयर हैज़ टू बी एन एज, बट 18 से बढ़ा के जो 21 साल कर दी है लड़कियों के लिए एलिजिबिलिटी ऑफ मैरिज, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि उसमें लड़कियों को एटलीस्ट 21 में 18 साल से ज़्यादा समझ होती है, तो ये बात अच्छी है कि यू नो बचपन में ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनकी शादी उनके घर वाले नहीं करा सकते, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन कि शादी की एलिजिबिलिटी की उम्र बढ़ा दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू एवरीवन। Your performance was beautiful. I wanted to dance with you. I wish I could. I missed the opportunity. You were so good. And you have truly shown us what is Delphic all about. Your performance was the spirit of Delphic, I feel. This is how it should be. So thank you very much for a wonderful start to the event. I wish I could sing, I wish I could dance, I wish I could play an instrument, I wish I could write, I wish I could do so many things. Just one life, I'm glad I can act a little or so I think. But I wish I could do all of it. And I feel, I just feel so blessed that I was here today to witness your performance. For me, this evening belongs to you.
Yes, we will. Sure. Not to take away from everyone else who performed, Amy, your collection was beautiful, both the collections. And I loved the song on which the models were walking. Yes. Sari Gulabi Junelia. Oh my God, what a beautiful song. The Delphic National Anthem, very beautiful. It has been beautifully put to words, to music, and performed beautifully also. It might not be the right evening to say this, to read this out. This is a poem that has been written by my father, Rajendra Singh Tawar. He has always insisted that whatever thoughts come to your mind, aap likho, rose likho, thoda thoda zarur likho. Hum log nahi likhte hain. I think our generation is not so serious about writing. But he makes it a point to write at least 4 to 8 lines every single day. He's not a known writer, but this is something he'd written some 30-35 years back. Guru Ladakhi Ji's poem was so poetic and so romantic, and it completely changed the mood of the evening. I'm going to drastically change it again. Because this poem is called Radha Ki Dugdha. It's in Hindi. और इसमें राधा जो है वो हमारे देश की जनता है, द पीपल ऑफ आर कंट्री. एंड कान्हा इज द कंट्री, कान्हा हमारा देश है. तो कान्हा जो है वो राधा से रूठा हुआ है, और राधा कह रही है कि हम कुछ भी कैसे मनाएं जब तक हमारा देश रूठा हुआ है. सो हियर इट गोज, दिस इज वेरी स्पेशल. पापा, आई विश यू वर हियर, आई विश यू वर रीडिंग इट आउट, बट आई एम सो हैप्पी एंड फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग टू डू सो. आई लव यू पापा. Here it goes. राधा की दुविधा. कैसे दीप जलाए राधा अपने मन का, कोई कन्हैया मधुबन में रूठा बैठा है. दुविधाओं के काले बादल तिमिर बढ़ाते रहते हैं, तिमिर अंधेरा. मन भेदों के क्षणिक बिंदु भी पर्वत बनते रहते हैं. समीकरण के रिश्ते भी अब रोज बदलते रहते हैं. बढ़ती अंतर कलह सब घबराए रहते हैं. कैसे तिले हटाए राधा मन का, माटी का दीपक माटी से रूठा बैठा है. सपने पीड़ित सभी हो गए, दर्द बढ़ाते रहते हैं. अर्थहीन सब गीत हो गए, नींद रुलाते रहते हैं. टूट गया विश्वास चटक कर, टूट गया विश्वास चटक कर, घाव कोसते रहते हैं. मर्यादाएं खड़ी रो रही, आंसू बहते रहते हैं. कैसे दर मिटाए राधा अपने मन का, माटी का दीपक माधव बन उठा बैठा है. बदल गए परिवेश पुराने, रंग बदलते रहते हैं. कथनी और करनी का अंतर अर्थ बदलते रहते हैं. पतझड़ हो गए सभी घरौंदे, पतझड़ हो गए सभी घरौंदे, पत्ते झड़ते रहते हैं. ऊंच नीच कर मिट्टी खाई, बांधे चलते रहते हैं. कैसे रंग मिलाए राधा अपने मन का, माटी का दीपक बाकी से रूठा बैठा है. माटी का दीपक बोल रहा, त्योहार बदलते रहते हैं. पूजा में श्रद्धा नहीं रही, भगवान बदलते रहते. कर्म कांड पाखंड हो गए, तंत्र बदलते रहते हैं. घर में आग लगी हो तब भी खड़े देखते रहते हैं. कैसे पर मनाए राधा अपने मन का, दीपक बाकी तेज सभी रूठे बैठे हैं. कैसे दीप जलाए राधा अपने मन का, कोई कन्हैया मधुबन में रूठा बैठा है. थैंक यू. थैंक यू सो मच साक्षी. आई डोंट हैव वर्ड्स टू टॉक अबाउट इट. सच अमेजिंग पोएम. May I please invite Sahil Ji and Sakshi Ji to please come on stage and launch the magazine. Thank you.
my share of applause at least. I asked for it. But guys, for any performer, I think the biggest reward is your appreciation. I mean, whenever a performer comes on stage, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत रिहर्सल करता है, बहुत हिम्मत करता है और बहुत अपने मन में डर और सबका कॉम्प्लिकेशन लेके यहाँ आता है. I'm telling you by experience, your class can do wonders to anybody's performance. So please next time be generous and clap your heart out, okay? Thank you. Thank you, Sakshi ji, and thank you, Sahil ji. Now we come to the most important part of our celebration. Our newly appointed Secretary General of the International Olympic Council needs to know the nation. From the past, so many months we have been inspiring all women from various capacities since 2012. I would like to request Mr. Ramesh Prasanna ji, Secretary General, International Olympic Council, please